भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मेरे मित्र पूर्व सांसद श्री भरत सिंह जी, पूर्व विधायक श्री विक्रम सिंह जी, श्री विजय बहादुर सिंह जी, चुनाव संयोजक श्री मुक्तेश्वर सिंह जी, अध्यक्ष भूमि विकास बैंक श्री अमिताभ उपाध्याय, जिला उपाध्यक्ष श्री विजय बहादुर सिंह, जिला उपाध्यक्ष श्री दिलीप गुप्ता, जिला कोषाध्यक्ष श्री तारकेश्वर गौण, अनुसूचित मोर्चे के मंत्री श्री उदय पासवान, जिला अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा श्री मंटन वर्मा, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री अरविंद सिंह सेंगर, श्री कन्हैया सिंह प्रमुख, श्री राकेश सिंह प्रमुख, श्री रत्नेश सिंह, मदन सिंह, शैलेश सिंह, अश्विनी ओझा और इस मैदान में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, अरे बोलने तो दीजिए, अरे बोलने दो भैया, बोलिए भारत माता की। गुड, बहुत अच्छा, आप लोग मजे में हुआ है ना? सब लोग कौन परेशानी से नहीं बार ना? अरे बैरिया के लोग बहुत बहादुर हो ना, हमें अच्छी तरह मालूम है। बहनों भाइयों, यदि आज आपके बीच में आया हूं तो आनंद स्वरूप शुक्ला के लिए आया हूं। और मुझे यह जानकर खुशी हुई कि इस बैरिया में ही हमारे पूर्व सांसद भरत सिंह जी का निवास भी है, इनका गांव है। यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो यह बतलाइए, मैं आप लोगों से आनंद स्वरूप शुक्ला के लिए वोट मांगू या न मांगू? जो लोग चाहते हैं कि हम आनंद स्वरूप शुक्ला के लिए वोट मांगे तो यहां से लेकर वहां तक जगह एक बार हाथ उठाकर ताली बजा दीजिए तो मैं मान लूंगा कि यह बात। और बहनों भाइयों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं आनंद स्वरूप शुक्ला के बारे में। यह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे, नौजवान हैं, प्रायः लोग रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन मैं सबकी खोज खबर रखता हूं, सबके बारे में जानकारी रखता हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि आपके आनंद शुक्ला के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई। मंत्री होने के बावजूद आनंद शुक्ला ने सेवक शासक के रूप में अपनी भूमिका नहीं निभाई है, बल्कि जनता के एक सेवक के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं कि आनंद शुक्ला को भारी मतों से विजय दिलाकर आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजें। और बहनों भाइयों, आज आपको जानकारी होगी उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव चल रहा है, अब बैठ जाओ, उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव चल रहा है, यह पांचवें चरण का मतदान आज है। चार चरणों के जो अब तक मतदान हुए हैं उससे राजनीतिक विश्लेषक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बहनों भाइयों, इस बार उत्तर प्रदेश में फिर से यदि सरकार किसी की बनने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पिछले कई वर्षों से एक राजनीतिक पार्टी की सरकार दोबारा नहीं बनी है, लेकिन इस बार हमारी उत्तर प्रदेश की जनता सचमुच इस उत्तर प्रदेश में अपने मतों का प्रयोग करके एक नया इतिहास लिखने जा रही है। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पिछले पांच वर्षों में हमारी सरकार ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, मैं जानता हूं कि मुझसे बेहतर आप जानते हैं, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे हमारे मोदी जी की सरकार हो, चाहे हमारे योगी जी की सरकार हो, बहनों भाइयों, कोई यह कह तो सकता है कि भाई यह काम नहीं हुआ, यह काम हो गया, यह काम और हो गया होता,
तो ज्यादा अच्छा था, यह सब तो कोई कह सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकारों की तरह बहनों भाइयों, कोई यह नहीं कह सकता कि योगी जी और मोदी जी ने कोई भ्रष्टाचार का काम किया हो, यह कोई आरोप नहीं लगा सकता। यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, यह बड़ी उपलब्धि है सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए। इसलिए मैं वोट मांगने आया। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारत सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी इस प्रकार से जनता को सरकारों की योजनाओं का लाभ मिलता था? नहीं। मैं यह चाहता हूं कि सब लोग जो हमारी बात से सहमत हो, सब लोग हाथ उठाकर बतलाइए लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही, मुझे याद है उस बैठक में इन योजनाओं के बारे में फैसला किया गया, मैं भी मौजूद था। उन्होंने उसी समय संकल्प लिया और कहा, राजनाथ जी, उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करता था और फिर उसके बाद उनके मंत्रिमंडल में गृहमंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा था। मैं चाहता हूं, उन्होंने कहा कि आगामी कुछ वर्षों के अंदर इस हिंदुस्तान में ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि एक परिवार भी ऐसा शेष न बचे जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए, ऐसा एक भी परिवार शेष नहीं बचना चाहिए। मैं यह दावा तो नहीं करता सभी के लिए पक्का मकान उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहां भी कुछ लोग मौजूद होंगे जिनको कि पक्का मकान मिला होगा। बहनों भाइयों, निश्चित रूप से यहां पर मौजूद होंगे, यदि है तो जहां हाथ उठा दीजिए। क्या आपने कभी कल्पना की थी ऐसा प्रधानमंत्री आएगा, उसके दिल में ऐसा दर्द होगा कि हमारे गरीब परिवारों की माताएं बहनें लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर, धुएं में आंखों से पानी चलता रहता है और वह खाना पकाती है, फेफड़े में बराबर धुआं भरता रहता है। जो जिंदगी उन्हें 80-85 साल जीनी चाहिए, वह 40-45-50 साल में इस दुनिया से चली जाती है। इसलिए गरीब परिवारों में भी एलपीजी गैस सिलेंडर पहुंचना चाहिए। बहनों भाइयों, पहली बार आजाद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने सोचा है तो प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। गैस सिलेंडर मैं पूछना चाहता हूं माताओं बहनों से कि आपके घर में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। और आज मैं आपको बतलाकर जा रहा हूं, सरकार बना दो मेरे बहनों भाइयों, होली और दिवाली पर एक एक गैस सिलेंडर मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा। होली और दिवाली के अवसर पर मुफ्त में मुहैया कराएंगे। अच्छा, यह बतलाइए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आप लोगों को हर 4 महीने पर 2-2 हजार रुपया पहुंच रहा है, साल में 6 हजार? भैया पीछे के लोग, आप लोग खड़े हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पीछे जो खड़े हैं, मिल रहा है? मिला था। अरे मिलता था, ऐसे ही मिलत रही। अगर यह बार दे दा वोट, देखा हम कोनो आश्वासन नहीं देते तो हम लोगों के भगवान चाहिए तो बढ़ जाए, हम आश्वासन नहीं देते। हिम्मत कहिया कि राजनाथ सिंह आ रहा बोल के चल गई ना। अच्छा ये बतलाओ, 6 हजार रुपया जो मिला लाओ में एक को पैसा कोई अधिकारी भ्रष्टाचार तो नहीं कर अपना? हम तो हम लोगों की याद दिलाएं राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री रहे। मेरे बहनों भाइयों, मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता है, वह संस्था होता है। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्थाओं की इज्जत की जानी चाहिए, तभी लोकतंत्र मजबूत रहेगा। मैं राजीव गांधी जी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। राजीव गांधी जी ने एक बार चिंता व्यक्त करते हुए कहा था, क्या करें,
मैं प्रधानमंत्री हूं, कुछ कर नहीं पा रहा हूं। 100 पैसा मैं दिल्ली से भेजता हूं, नीचे पहुंचते पहुंचते लोगों के पास 15 पैसा केवल पहुंच पाता है, 85 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन आपने देखा कि आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया, लाचारी व्यक्त नहीं किया, ऐसा सिस्टम बना दिया, ऐसी व्यवस्था कर दी कि 100 पैसा ऊपर से चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है। बहनों भाइयों, इसे कहते हैं शासन, हुकूमत चलाना, ऐसे शासन चलाया जाता है। हम लोगों ने यह भी तय किया है, हमारी माताएं बहनें कुएं पर जाकर, जलाशयों से, तालाबों से, नदियों से घड़े पर घड़ा पानी भरकर घर में पानी लाती रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के अंदर हम इसे नहीं चलने देंगे, इसे कुछ ही समय के अंदर हम ऐसे हालात पैदा करेंगे कि हिंदुस्तान का एक भी घर बचेगा नहीं जिस घर में नल न पहुंच जाए और नल के माध्यम से जल न मिलने लगे, ऐसा एक घर भी नहीं बचेगा। और मैं समझ पता नहीं यहां काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ, मैं नहीं कह सकता हूं, अभी शुरू हुआ है कि नहीं काम यहां, अभी नहीं शुरू हुआ तो मेरी बात मान लेना, साल से लेकर 1.5 साल मैं बढ़ाकर बतला रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा हो गया तो और कुछ 2 साल, इतने दिन के अंदर आपके घर में नल भी पहुंचेगा, जल भी पहुंचेगा। और मैं अभी यह मानने को तैयार नहीं हूं कि बलिया में यह योजना प्रारंभ नहीं हुई है, शुरू हो गई है। अच्छा अच्छा, ये बतला रहे हैं 4 गांव में शुरू किया यहां, वही तो मुझे आश्चर्य हुआ, हर घर में नल और हर घर में जल, ये हमारी सरकार का संकल्प है। बहनों भाइयों, आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। अच्छा ये बतलाइए, कोई गुंडा बदमाश तो आप लोगों को परेशान नहीं कर रहा है, कोई माफिया उफिया परेशान नहीं कर रहा है ना? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में लूट, हत्या, अपहरण, भ्रष्टाचार, ये चरम सीमा पर था। लेकिन अब ठीक बात ना, ठीक बात। अच्छा ये बतलावा कि बुलडोजर तो नहीं आ रहा है? बुलडोजर नहीं आ रहा है? ऐसा एक कहानी तो हमके बतला दें, तो कहानी एक सुन ला, कहानी ना ही सच्चाई है। एक रेल पर मालगाड़ी रले, मालगाड़ी जो पर डिब्बा ना ही लगा रहा वो मालगाड़ी है, वही पर कुल बुलडोजर लदकर कहीं जात रहे, तो प्लेटफार्म पर वहां लोग खड़ा रहा, कहे भैया ये इतना बुलडोजर कहां जाता है? तो कहा है कि वो जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश वाला, वो है मंगोले हो वही जात है। बहनों भाइयों, पहले ऐसे हालात थे, ये गुंडे बदमाश और माफिया, इनके कहने पर बड़े बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर हो जाया करते थे, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर ये सस्पेंड हो जाया करते थे। आज इनकी घिघी बंधी हुई है, ये हिम्मत नहीं कर सकते। और यह भी हमारी सरकार ने तय किया है बहनों भाइयों, माफियाओं ने गलत पैसा लेकर जो अपने आलीशान महल बनवा रखे हैं, आलीशान महल वो जो धराशायी किए जा रहे हैं, वहां पर किसी पूंजीपति का घर नहीं बनेगा, वहां किसी का घर बनेगा तो जिस्म का पसीना बहाने वाले गरीबों का घर वहां पर बनाया जाएगा। बहनों भाइयों, ये फैसला है। समाजवादी पार्टी बराबर रामपुर में सीआरपीएफ के ऊपर आतंकवादियों ने हमला कर दिया, बदमाशों ने हमला कर दिया, सरकार में आने के बाद उनके केस को वापस लेना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। क्या इसे सरकार चलाई जाती है? बहनों भाइयों, सरकार जनता के सहयोग से चलाई जाती है, अपराधियों के सहयोग से नहीं चलाई जाती। अपराधियों की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री आवास की तरफ देख सकें। क्या कर दिया इन लोगों ने? कहते हैं कि हम समाजवादी हैं,
बहनों भाइयों, समाजवादी उसे कहते हैं जो जनता को भय और भूख दोनों से छुटकारा दिला सके, वही सच्चा समाजवादी है। जो जनता को भय और भूख से छुटकारा नहीं दिला सकता वह समाजवादी नहीं हो सकता। और मैं तो कहना चाहता हूं यहां की समाजवादी पार्टी को समाजवाद छू तक नहीं गया, समाजवाद से इनका कोई लेना देना नहीं। सच्चा समाजवादी यदि कोई है तो हमारा भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है। और बहनों भाइयों, आपने देखा होगा 2014 में केंद्र में सरकार आने के बाद भारत की इज्जत, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है, सारी दुनिया में बढ़ी है। मेरे बहनों भाइयों, पहले दुनिया के मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया गंभीरता पूर्वक हमारी बातों को सुनती नहीं थी, भारत कमजोर है यह क्या कर लेगा, बोलने दीजिए, कोई हमारी बात सुनता नहीं था। लेकिन आज भारत दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता है तो लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। बहनों भाइयों, यह है भारत की ताकत, यह है भारत की ताकत। अब यूक्रेन की जो घटना हुई है, हम लोग चाहते हैं शांति किसी तरीके से कायम हो, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जो भूमिका निभा रहे हैं उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। भारत सदैव से शांति का पुजारी रहा है, भारत सदैव से शांति का पुजारी रहा है। और भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने न तो दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है, न दुनिया के किसी देश की एक इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया है। और विश्व शांति के लिए हम चाहते हैं सभी को इस सिद्धांत को मानना चाहिए। और भारत की ताकत दुनिया में बड़ी है। पहले भारत के बारे में लोग मानते थे भारत कमजोर है, कोई बात नहीं सुनता था। लेकिन आपने देखा जब मैं भारत का गृहमंत्री था उस समय पाकिस्तान से आकर कुछ आतंकवादी हमारे अर्धसैनिक बल के जवानों के ऊपर कायराना हमला कर दिया, छुपकर कायराना हमला किया, बड़ी संख्या में हमारे अर्धसैनिक बल के जवान उस समय शहीद हुए थे। बहनों भाइयों, और गृहमंत्री रहते हुए इस देश का मैंने जब उन्हें उनकी शव को, शहीदों के शव को कंधा दिया था, आज भी यदि मैं चर्चा करता हूं तो उसका दर्द हमको, हमारे दिल को सहलता है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग बैठे, चटपट 10 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री ने फैसला कर दिया कि राजनाथ जी आगे बढ़ा जाए। मैंने कहा ओके। और उसके बाद हमारे भारत के सेना के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों का सफाया कर दिया। बहनों भाइयों, यह है भारत की ताकत। यह है भारत की ताकत। और सारी दुनिया को उसी दिन संदेश चला गया कि भारत कमजोर भारत नहीं है, भारत को यदि कोई छेड़ेगा तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं, यह ताकत है भारत की। और यह भी संदेश सारी दुनिया को चला गया कि भारत के अंदर वह ताकत है कि जो भारत की ओर आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा, भारत बाउंड्री के इस पार भी मार सकता है, जरूरत पड़ी तो बाउंड्री के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है, यह भारत के अंदर ताकत है। बहनों भाइयों, आपका संबल चाहिए, आपका संबल चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। केंद्र में और प्रदेश में सरकार चलाकर हम लोगों ने दिखा दिया है कि सरकार कैसे चलाई जाती है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में खनन घोटाला होता था, तरह तरह के घोटाले होते थे। अब सारे घोटाले तो हमको याद नहीं है कौन कौन से घोटाले होते थे।
अरे सबसे एम्बुलेंस का घोटाला हो गया, जो गरीबों के इलाज के लिए जिसका उपयोग होता है। खनन घोटाला हो गया, एम्बुलेंस घोटाला हो गया, रिवर फ्रंट घोटाला हो गया। और बहनों भाइयों, हमारे यहां मंत्री पद हो चाहे बड़े से बड़े पद पर कोई बैठा हुआ हो, यदि वह घोटाला करने की कोशिश करेगा बहनों भाइयों, तो हमारी सरकार ऐसी सरकार है कि अपने ही मंत्री अपने विधायक को उल्टा कर देगी बहनों भाइयों, किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगी। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, आपका पूरा समर्थन हमें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। और तब लोग कहते हैं डबल इंजन डबल इंजन, मैं कहता हूं कि नहीं, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में तो सचमुच अब उत्तर प्रदेश में तो ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी, तीन इंजन वाली। आप कहेंगे कैसे, मोदी जी का विजन, योगी का मिशन और जनता का पार्टिसिपेशन, या तीन इंजन की सरकार चलेगी। गबड़ा गबड़ा मत कुल हो जाए। अब बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में कट्टा नहीं चलेगा, कट्टा दिखले हुआ जग नहीं रखले हुआ घर में ना। अरे हम बलिया के जाना थे आज से नहीं, बहुत पहले रखले हुआ का अच्छा बात भी हमके कान में बतला दिया। मेरे भाइयों, मैं रक्षा मंत्री हूं, इसलिए मैं बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में कई जिलों को हम लोगों ने डिफेंस कॉरिडोर के रूप में घोषित कर दिया है और यह संकल्प लिया है। और मैंने तो 209 टैंक, गोले, बारूद, हथियार, मिसाइल, इनकी सूची बना दी है। अब यह सारी चीजें टैंक, मिसाइल, हवाई जहाज, फाइटर प्लेन अब बनेंगे तो भारत की धरती पर बनेंगे, भारतवासियों के हाथों से बनेंगे। हमारे प्रधानमंत्री का आह्वान है कि भारत आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए, इसलिए यह फैसला लिया है। पहले सारा का सारा सामान हम दुनिया के दूसरे देशों से मंगवाते थे। बहनों भाइयों, 10 वर्षों के अंदर हालात बदल जाएंगे। अब सारे युद्ध से संबंधित सामग्री सारी दुनिया भारत से प्राप्त करेगी, भारत दुनिया के देशों से उसे नहीं लेगा। अरे पहले एक अभी दो ढाई महीने पहले ही मैंने शिलान्यास किया है और पूरा पैसा मैंने स्वीकृत कर दिया है। ब्रह्मोस का नाम सुना है, ब्रह्मोस मिसाइल, यहां बैरिया में बैठकर मारोगे तो 400 से लेकर 800 किलोमीटर तक मार गिराएगी दुश्मनों को, यह ताकत होती है ब्रह्मोस मिसाइल। बहनों भाइयों, अब यह ब्रह्मोस मिसाइल अब इस उत्तर प्रदेश की धरती पर बनने जा रही है। उसको पैसा स्वीकृत कर दिया है, शिलान्यास कर दिया है, सब कुछ कर दिया है। पहले कोई कल्पना नहीं करता था, यहां तो गोली नहीं बनती थी, अब तो गोला बनने लगा। बहने भाई, अब तो गोला बनने जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 1,00,000 करोड़ से अधिक का ज्यादा निवेश यहां पर हो चुका है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं कि बहनों भाइयों, आपका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए, आशीर्वाद भी प्राप्त होना चाहिए। अब आप देखिए, आपका आनंद शुक्ला पहले बलिया से विधायक थे, जीत कर गए, पहली बार में मंत्री बन गए, चौका मार दिया। अरे बैरिया का कमाल मैं जानता हूं, बैरिया पक्का। अरे ऐसा है आनंद शुक्ला, ऐसा ये लोग यदि 50,000 से ज्यादा जिता दें तो एक बार तू हमें फिर से बुला लिया यहां। यदि 50,000 से ज्यादा से आनंद शुक्ला के जिता देवा जाए तो सुन ला, अरे सुन, यदि इतना से जिता देवा जा तो करे बाद हम खुद आई और आनंद शुक्ला बुलाई है तब। आनंद शुक्ला, अरे सुन पहले बतिया सुन, तो ऐसा तब करे बाद हम खुद आई तो अपन स्वागत कराओ, बड़े नए आई
आयुक्त एक बार शीश झुका के आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करें बदे हम यहां पर आए। अच्छा एक बार सब लोग केवल आनंद शुक्ल अरे सुन रही एक बार सब लोग जरा हाथ उठाकर और देखिए मैं बतलाता हूं इस तरीके से हर हर महादेव बोलते हुए हमारे आनंद शुक्ला को आप सभी आशीर्वाद देने जनता जनार्दन का आशीर्वाद फलेगा फलता रहा है भविष्य में भी फलता रहेगा मैं आश्वस्त हूं। एक बार हाथ उठाकर आप सभी लोग अपना आशीर्वाद आनंद शुक्ला को दे दीजिए। वाह क्या दृश्य है क्या दृश्य इधर देखो वाह बहुत अच्छा तो चलें कहाँ हो चले कि ना चली। अरे तो कुछ लिया लुआ खाए पिया बदल कैसे आजा चला ये आनंद शुक्ला के जिता दा ओकरे बाद आई आनंद शुक्ला व्यवस्था करिया कि आई तो खाली भाषण न होई भाषण तो केवल 15-20 मिनट होई ओकरे बाद बैठ के लोगों के बुलैया 1,000-2,000-4,000 लोगों के उनके साथ खाना भी हम खाब लेकर के बाद बुला के ले ठीक है। तो चलिए बोलिए भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।